दोस्तों नासा ने नवंबर 2021 में अपना प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन लॉन्च किया था, जिसमें वो एयरक्राफ्ट एक एस्टेरॉयड के छोटे से मून से टकराएगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा, और ऐसा पृथ्वी को किसी बड़े हमले से बचाने के लिए टेस्ट किया गया है। और ऐसा ही कुछ चीन भी करने जा रहा है। जी हाँ, चीन भी 2025-26 तक अपना प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम टेस्ट करने वाला है। चीन का एम एक एस्टेरॉयड को उसके ऑर्बिट से अलग करने का होगा। चाइना की स्पेस एजेंसी CNSS अर्थ के आसपास के सभी एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेगी और किसी एक एस्टेरॉइड को इस मिशन के लिए चुनेगी, जिससे पृथ्वी को खतरा हो सकता है। CNSS साथ में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम और एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट वगैरह को स्टडी करने के लिए एक सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर भी डेवलप करेगा। और इस तरह से चाइना अपना प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम बनाने की सोच रहा है। अब धरती को बचाने के लिए अगर चीनी माल का इस्तेमाल होगा तो वो कहीं हम पर ही उल्टा ना पड़ जाए। खैर, अगर वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए।